वी हैड आवर वर्कशॉप्स एंड वहाँ पे हमारे जो राइटर हैं दानिश सर, उन्होंने हमारी बहुत हेल्प की. बहुत सारे ऐसे जो वर्ड्स हैं हमारे क्लियर करवाए हैं. जैसे कि मैं आपको बता देती हूँ कि जब भी हम सेट पे जाते हैं, सो इंस्टेड ऑफ सेइंग गुड मॉर्निंग टू एवरीबडी, वी से अस्सलाम वालेकुम. दे रिप्लाइड वालेकुम अस्सलाम. देन वी हैव दिस काइंड ऑफ कॉन्वर्सेशन. बिकॉज जितना हम ज़्यादा इस तरीके से और इस लैंग्वेज को अडॉप्ट करेंगे, उसी से हमारी ज़ुबान जो है वो ज़्यादा खुलेगी. और इस चीज़ के लिए बहुत प्रिपरेशन हुई है. कभी भी हमको किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती है, हम दानिश सर को फ़ोन करते हैं और वो हमें करेक्ट करते हैं. तो इट्स आई वुडन्ट से इट्स डिफ़िकल्ट, बट यस, थोड़ी बहुत मुश्किलें आई हैं कुछ चीज़ों को बोलने के लिए. जब हमारी डबिंग आ जाती है कि ये आपने वर्ड गलत बोला है, इवन अगर एक नुक्ता भी चेंज हो जाता है तो भी हमें वापस से डबिंग करना पड़ता है. सो हम लोग उस चीज़ के लिए बहुत केयरफुल हैं. हमारे सेट पे काफ़ी सारे मुस्लिम्स एडीज़ हैं, हमारे जो यू नो इवन अदनान इज़ मुस्लिम. तो हम उनसे बार बार पूछते हैं कि यू नो हम लोग प्रोनंसिएशन करेक्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं. सो वो सब चीज़ें चलती रहती हैं, और जितना हम इस चीज़ के यू नो एक्सेप्ट कर लेंगे, उतनी ज़्यादा हमारी ज़ुबान खुल जाएगी. तो बस यही प्रैक्टिस चलती जा रही है. What kind of prep went into my show and character? तो जो लखनऊी स्टाइल है वो इट्स नॉट ईजी टू रेप्लिकेट. वो आसान नहीं है वो किरदार को निभाना. तो जो मेरी प्रेपरेशन थी, मैं सच कहूँ यूट्यूब ने बहुत ज़्यादा मदद की. शार्ट आउट टू यूट्यूब ओनर्स, आपने इतना अच्छा काम किया है, इतना ईजी बना दिया चीज़ों को टू वॉच एंड टू लर्न. एंड दूसरी बात, पाकिस्तानी शोज़, वाई? बिकॉज उनमें उर्दू का जो फ्लो आता है बहुत ही अच्छा रहता है. एंड ये शो जो मेन जिस्ट ऑफ द शो उर्दू में है. तो बीइंग फ्रॉम दुबई, मैं खुद पढ़ा लिखा दुबई में हूँ, तो मेरी उर्दू एंड हिंदी थोड़ी बहुत कमज़ोर थी. तो विद द हेल्प ऑफ पाकिस्तानी शोज़ एंड यूट्यूब एंड ऑफ कोर्स वर्कशॉप्स, आई कैन नॉट फॉरगेट जो डायरेक्टर साहब ने वर्कशॉप्स ली थी, ऑल दिस कम्बाइंड हेल्प मी टू अचीव व्हाट आई हैव अभी. और अभी तो कुछ नहीं, आपने देखा, आप आगे देखते जाइए कितना अचीव होगा. आई एम ग्लैड कि इतने अच्छे शो के साथ में आ रही हूँ, इश्क सुभान अल्लाह. और अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छे टॉपिक के साथ आ रही हूँ, which is on based on triple talaq and women empowerment. तो it's nice यार, बहुत मज़ा आ रहा है, करने में मज़ा आ रहा था. मेरी शौक है मेरे ऑडियंस और फैंस को भी बहुत अच्छा लगेगा. हमने सिर्फ ट्रूथ दिखाया है कि क्या क्या सच्चाइयाँ हैं, लोगों के क्या मिसकंसेप्शंस हैं, उनने किस तरीके से ले रखा है, और एक्चुअली ट्रिपल तलाक है क्या, और उस क्या कुरान में लिखा है, और किस तरीके से हमने ले लिया था. एक वक्त में दी गई तीन तलाक गलत है. एक तलाक का एक कुरान में प्रॉपर वे दिया है जो हम फॉलो नहीं करते, हमने उसको कुछ उल्टे उसमें ले रखा है. तो वो हमने दिखाया है बहुत अच्छे से. रिलीजन का बहुत अच्छा टच रखा है, इस्लाम को बहुत खूबसूरती से दिखाया है. एज यू गॉट द आंसर, आई डोंट थिंक सो एनी कॉन्ट्रोवर्सी विल अलाइव, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द राइट्स, वुमेन्स राइट्स इन दिस शो. वी आर नॉट सेइंग कि व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग. वी आर टॉकिंग अबाउट द वुमेन राइट्स. एंड कहीं ना कहीं हम वो इश्क के ज़रिए, हर किसी का एक मज़हब को देखने का अलग अलग नज़रिया होता है. अदनान का, आई मीन कबीर का अलग नज़रिया है, ज़ारा का अलग नज़रिया है, पर एट द एंड ऑफ द डे वो दोनों एक ही बात कर रहे हैं. तो उस चीज़ को अच्छे तरीके से लोगों के तरफ कैसे पहुँचाना है, और जो मिस इंटरप्रिटेशन होती है, जो लोग इस चीज़ को मिस यूज़ करते हैं, जो एक्चुअल कुरान पाक में लिखा है, उनको हम जस्टिफाई करना चाहते हैं, उनको एक एक्चुअल रियल और सही सोच देना चाहते हैं कि दिस हैज़ बीन रिटन, नॉट व्हाट यू गाइज हैव मेड इट. सो वी जस्ट ट्राइंग टू हर घर में यही पहुँचाना चाहते हैं कि मिस इंटरप्रिटेशन मत कीजिए, जो लिखा है आप उसी को फॉलो कीजिए, दुनिया बहुत खूबसूरत लगेगी. मुझे लगता है मैं बीच में हूँ. क्यों? क्योंकि मेरी आदत क्या है, मुसलमान होने के नाते मैं 5 वक्त का नमाजी हूँ, मगर मैं क्वेश्चन बहुत करता हूँ. तो कोई भी चीज़ अगर मुझे मेरे रिलीजन में लगती है कि ये ऐसा क्यों है, मैं सवाल करता हूँ. क्योंकि मेरे अबू ने ही पास्ड अवे सम टाइम अगो, बट ही ऑलवेज टॉट मी समथिंग रियली ग्रेट, कि क्वेश्चन करो, विच इज़ एक्चुअली इस्लाम भी कहता है कि क्वेश्चन करो, आस्क. एंड आप जब सवाल पूछते हो एक ठंडे दिमाग से, आराम से, तो आपको जवाब मिलता है. तो मैं मॉडर्न नहीं कहूँगा, आई एम नॉट अ मॉडर्न मुस्लिम, बिकॉज आई थिंक आई डोंट थिंक दैट वर्ड डज जस्टिस टू वॉट वेयर आई एम राइट नाउ. आई एम नॉट सेइंग कि मैंने बहुत आगे इस्लाम को सोचा है, समझा है, नहीं. मैं कहीं बीच में हूँ, ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न, बट आई क्वेश्चन अलॉट. तो हाँ, बीच में कहीं आपको मिलूंगा मैं. See, as if now, because जहाँ तक मैंने स्टोरी सुनी है, अगेन जीनत इज़ वेरी कॉन्फिडेंट गर्ल, शी इज़ अपफ्रंट, शी वो झूठ बर्दाश्त नहीं कर सकती, और अपने हक के लिए कभी भी खड़ी हो सकती है. कभी कभी उसका जो यू नो अपने लिए खड़ा होना होता है, वो कभी कभी सेल्फिश रीज़न लगता है जिसकी वजह से बवाल हो जाते हैं, बट दैट्स उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज समवेयर शी न्यू दैट शी इज़ राइट.
सो वो भी हैं, बट कहीं ना कहीं वो लखनऊ से बिलोंग करती है, जो लहजा, जो तहजीब होती है, जो अपने सास ससुर के सामने नहीं बोला जा सकता, वो जो इज्जत होती है उसको बरकरार रखते हुए वो अपना स्टैंड लेती है और कभी कभी सेल्फिश हो जाती है. सो मेरा कैरेक्टर वैसा ही है, बट येस कुछ बुराइयाँ दिखाएंगे तभी तो अच्छाई सामने उभर के आएगी. सो कहीं ना कहीं मुझे बुरा बनना ही पड़ेगा. प्रॉब्लम्स तो देखिए लोग को कुछ कहना होगा तो कहेंगे, मगर पेशेंटली अगर वो शो देखेंगे तो कुछ गलत नहीं दिखाया गया. देयर इज नथिंग रॉन्ग. द राइटर हिमसेल्फ इज अ मुस्लिम हु हैज डन एक्सेलेंट रिसर्च. उनकी रिसर्च एंड उनकी जानकारी इतनी ज़्यादा है कि ही कैन हैव अ लवली डिस्कशन एंड बताएंगे कि कुछ गलत नहीं दिखाया गया शो में. तो कॉन्ट्रोवर्सीज होगी अगर कुछ गलत हो, अगर इफ देयर समथिंग रॉन्ग, बट अगर कुछ गलत दिखाया नहीं जा रहा तो आई थिंक दैट्स जस्ट कॉलिंग फॉर अटेंशन. I just want to thank you, everybody out there, for accepting me in every character what I have performed till now. And Zeenat ko bhi main utne hi pyar se aap logo ke ghar pe lana chahti hu, aapke dil mein wahi jagah banana chahti hu jo baki kirdaron ko aapne mujhe jis tarike se accept kiya hai. Thank you for loving me unconditionally and bahut bahut dil se shukriya ada karna chahti hu isi pyar aur mohabbat ka. Isi tarah mujhe pyar aur mohabbat dete rahiye aur Zeenat jo ek naya character main aap sabke samne lekar aa rahi hu use acche se प्लीज़ डू वॉच द शो. बहुत ही प्यारा शो है, बहुत ही खूबसूरत शो है एंड आपको कुछ अलग देखने को मिलेगा. डू वॉच. हाई माई नेम इज